उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से मैं कविता जोशी फिर हूँ आपके सामने। हेलो दोस्तों, सुबह के 10 बजे हैं और हम लोग महाराष्ट्र की सीमा पर पहुँच चुके हैं। अभी हम जलगांव से आगे चल रहे हैं, बस कुछ आधे घंटे में हमारा स्टेशन आ जाएगा मनमाड। मनमाड से फिर हम टेम्पो में बैठकर जाएंगे शिरडी। वैसे तो ट्रेन कोपरगांव तक जाती है, बट अभी हमारा उसमें रिजर्वेशन नहीं था, केवल मनमाड तक ही रिजर्वेशन है। उसके बाद हम मनमाड में उतर के शिरडी तक टेम्पो से जाएंगे। तो आप लोग अभी ये यहाँ का नज़ारा देखिए, महाराष्ट्र का ये चारों ओर जो खेतों में हरा हरा दिख रहा है, कहीं पर सरसों हैं, कहीं पर केले के पेड़ हैं, और ये पटरी पर दौड़ती हुई हमारी ट्रेन हमें ले जा रही है मनमाड की ओर। बस कुछ ही पलों में हमारा शिरडी का सफ़र कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ की भी झलकियाँ जितनी हो पाएंगी उतनी आपको मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। आगे जेंट्स पार्टी को हमने अभी ट्रेन से दूसरे डब्बे में भेजा है ताकि हम अपना फ्री इंजॉय कर सकें। उनसे अभी कोई मतलब नहीं, हम लोग अपने में मस्त हैं, खूब खा पी रहे हैं। उन्होंने क्या खाया है क्या पिया है हमें पता नहीं, हम अपनी मस्ती में पाव बड़े भी खा चुके हैं, चाय भी पी चुके हैं, और ताई जी द्वारा लाया गया चूरन खा चुके हैं। और अभी अब तैयारी फिर से हो रही है सलाद खाने की, क्योंकि कल सलाद सबको पसंद आया है, कह रहे हैं कि गाजर मूली नींबू फिर से काटे जाएं। तो अभी हम उसको काटते हैं, और आप भी खाने आना चाहो तो आ सकते हैं। पहुंच चुके हैं साई के बहुत करीब। अभी मनमाड से हम कोपरगांव के लिए निकलेंगे, कोपरगांव के जस्ट बाद हमें सीधे साई के दर्शन होंगे। तो यहाँ पे मनमाड में पहुंचने पर साई का एक जयकारा तो बनता है। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। एक बार फिर से बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो पहले सारे साई भक्त मिलके बाहर पाव बड़ा और चाय वगैरह पी लें, फिर निकलते हैं कोपरगांव की तरफ। तो दोस्तों, हम बहुत जल्दी ही पहुँच गए हैं अपने मंजिल की करीब। अभी हम मनमाड में उतर चुके हैं और यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता और फिर से पाव बड़े का इंतजाम है। उसके बाद हम शिरडी यात्रा के लिए निकलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अभी साईं आश्रम में। ये आ गए हैं हम अपनी फेवरेट डिश पाव बड़ा खाने के लिए। ये भैया आपको बताएंगे बड़ा पाव और पाव बड़ा में अंतर। लो भैया, बड़ा पाव में अंतर बोलो भैया। पाव का मतलब ये पाव बड़ा बोलते हैं, इसे बड़ा पाव बोलते हैं, और इसे सिंगाड़ा कहते हैं, इसे ब्रेड पकौड़ा सैंडविच कहते हैं। ये महाराष्ट्र का आइटम है। जब महाराष्ट्र ने बड़ा पाव नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, ऐसा जैसे तुम्हारी इधर छोले भटूरे नहीं खाए तो महाराष्ट्र वाले ने कुछ नहीं खाया। ये आज की कुछ जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र जय सैराम। और ये मिर्ची के बिना सब कुछ अधूरा है। ये मिर्ची चलती है, ये दिल्ली वाले की चॉकलेट कहते हैं इसे। ये सब पाव बड़े के इंतजार में है, और चारों ओर पाव बड़ा ही पाव बड़ा है। ये देखिए, और ये है हमारा मनमाड स्टेशन। ये है सफर का असली आनंद, और हमारी फेवरेट डिश पाव बड़ा मिलने स्टार्ट हो गए हैं। अब एक महीने तक हमने यही खाने हैं, आपको खाने तो आप भी आ जाइए। तो बता दो सबको कि स्वाद कैसा हो रहा है। ज्यादा स्वादिष्ट और मेरा सबसे प्रिय है। ये देखिए, यहाँ का पहाड़ कुछ टीला या किला टाइप का दिख रहा है। ये जा रही है साई की पालकी यात्रा। आज गुरुवार है, वैसे तो रोज ही जाती है, पर आज गुरुवार के दिन देखिए ये सारे भक्त पैदल चल रहे हैं। ये पता नहीं कितने दूर दूर गांवों से आए हुए हैं, और शिरडी तक पूरा पालकी लेके पैदल जाएंगे। ये रही बाबा की पालकी, ये देखिए। ये देखिए, आप सभी साई से अपना वरदान मांगिए और उनके दर्शन कीजिए। ये सभी साई भक्त
यहाँ बैठकर कमरा मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये साईं का स्वागत कक्ष है जहाँ काफ़ी भीड़ है और ये पूरा साईं के दरबार का ही नज़ारा है। अभी वो कमरा लेने गए हैं, उसके बाद हम स्नान आदि करके साईं के दर्शन के लिए जाएंगे। साईं तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बाबा, सच कहती हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए, साईं तेरे चरणों की। तो भक्तों, हम पहुँच चुके हैं साईं की नगरिया में। ओम साईं राम। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से मैं कविता जोशी फिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, आज ब्लॉग बनाने में थोड़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि सुबह से हम साईं दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे। 4 घंटे बाद हमारा लाइन में जो है नंबर आया और साईं के दर्शन हुए। उसके बाद हम यहाँ साईं आश्रम में आकर थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद ब्लॉग बनाने में मैं जुट गई हूँ। तो अभी हमारे कोई यहाँ पर साईं भक्त हैं, उनके घर में आज हमें खाने का निमंत्रण है, तो हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। तो उनके घर जाते जाते रास्ते में मुझे जो कुछ भी अच्छा आप लोगों को दिखाने लायक लगेगा उसकी झलकियां मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप लोग फिर से मेरे साथ बने रहिएगा। अब मिलते हैं सीधे अपने साईं भक्त के घर जाने वाले रास्ते में मिलने वाली झलकियों के पास। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआए, हाथों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं शिरडी में जो हमारे साईं भक्त हैं उनके घर पे। पहले मैं आपको इनके घर में साईं का जो मंदिर बना हुआ है वो दिखाती हूँ, उसके बाद उनसे मिलवाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी पूरी टीम यहाँ पे बैठ चुकी है। ये सभी लोग बैठे हुए हैं, ये हैं वो साईं भक्त। अभी इनसे आपकी बात करवाती हूँ। ये अभी हमारी टीम बैठी हुई है। इनका मंदिर पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मंदिर इन्होंने बहुत बढ़िया सजाया है, बहुत सुंदर मंदिर इनका बना है। और ये पूरे मंदिर के आप दर्शन कीजिए। बहुत प्यारा घर सजाया हुआ है और ये हैं वो साईं भक्त। सर, आप दो शब्द कुछ हमारे दोस्तों से साईं के बारे में कहना चाहेंगे? साईं एक दिव्य विभूति है जो कि जो जिसको जैसी चाहिए उसको वैसा वो अपना अंतरात्मा से मान ले, चाहे राम मान ले, श्याम मान ले, वो उसको उसी रूप में उनके साथ रहता है। साईं को एक बार मानने की जरूरत है आपको, बस इतना ही कहूंगा मैं। साईं राम बोलो, बस वो आपके साथ खड़ा है। जय साईं राम। अब इनके और कमरे भी आपको दिखाती हूँ। उन्होंने जैसा कहा कि आपको साईं को केवल मन से मानने की आवश्यकता है। और ये लेडीज पार्टी यहाँ पे गुफ्तगू कर रही हैं। ये बैठे हैं, ये उनकी मिसेज हैं जिन्होंने अभी आपको साईं बाबा के बारे में बताया। तो इनसे भी थोड़ा जान लेते हैं साईं के बारे में। सब कुछ क्या कह रहे हो, ये तो बाबा का दरबार है और आप लोगों का इंतजार था, भक्त लोगों का, और क्या, हम तो सेवादार है भाई। सेवादार है बस। ठीक,
तो ये साई भक्त हैं और दिल्ली से कई पालकियाँ इनके वहाँ आती हैं और इनसे मिलने ज़रूर आती हैं, यहाँ ठहरती भी हैं। तो इतनी झलकियाँ मैंने आपको इनकी वहाँ की दिखाई और आगे जो कुछ भी मुझे मिलेगा आपको झलकी दिखाने लायक वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। हमारी खाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये बाल्टी भर के पापड़ आए थे जो इन लोगों ने सब साफ कर दिए हैं। सलाद हमारा इंतज़ार कर रहा है, खाना भी आया नहीं है लेकिन इन्होंने सारे पापड़ ख़त्म कर दिए हैं। ये पता नहीं कब से भूखे थे। ये देखो इनका हाल, देखो सभी को आप देख सकते हैं। हमारा खाना बन के रेडी हो गया है और सब खाने के लिए बैठ गए हैं। और इन्होंने बनाए हैं जीरा राइस बनाए हैं, ये सलाद है, ये दाल है और मटर पनीर, ये मटर पनीर है, आलू गोभी की सब्जी, रोटी और ये सब। बस इंतज़ार में है कि कब ये रील बनाए, वीडियो बनाए और कब हम अपने मुंह में खाना डालें। चलिए आप खा सकते हैं, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, साई दरबार का दूसरे दिन का नज़ारा आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ इस पूरी यात्रा में बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साईं के आशीर्वाद से सदा खुश रहें। ओम साईं राम। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लाइक शेयर ही हमें और उत्साह बढ़ते हैं हम में और कुछ नया ब्लॉग बनाने की हमें प्रेरणा देते हैं। इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।